क्या हाल है। जो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि आज मैं ऐसे 8 कारण बताऊंगा कि जिनके कारण आपका मसल लॉस हो रहा है। पहले तो मैं उसके सिम्टम्स बताऊंगा कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब मसल लॉस होता है, फिर मैं उसके कारण बताऊंगा, तो आप इन रीजंस को फिक्स करके अपना मसल लॉस होते हुए बचा सकते हैं। तो सिम्टम्स क्या हैं कि पहला सिम्टम तो ये है कि आप जब भी जिम लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा जिम लगाना, आपसे अच्छी तरह से लग नहीं पाएगा। दूसरा जो है वो है आप थके थके से फील करेंगे, आपका दिल नहीं करेगा कोई भी डेली एक्टिविटी करने का। जैसे आप बेड पे पड़े रहेंगे या वीडियो गेम्स खेलते रहेंगे, आपका दिल नहीं करेगा चलने फिरने का, क्योंकि आपका मसल लॉस ही काफ़ी हो रहा है। तीसरा जो है वो है आपकी बॉडी फैट नहीं कम हो रही, लेकिन आपका वेट फिर भी कम हो रहा है। मतलब कि वेट जो आप स्केल में देखते हैं वो कम हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी फैट उतनी है, तो मतलब कि मसल लॉस हो रहा है। ये तो पक्का साइन है कि मतलब सिम्टम है कि आपका मसल लॉस हो ही रहा है। जो कारण है वो है कि आप बहुत ही लो कैलोरी डाइट में हैं, मतलब बहुत कम आप बहुत ज़्यादा आपने डेफिशिएंसी की हुई है कैलोरीज में, वो भी बहुत लंबे समय के लिए, जैसे 5-6 महीनों के लिए। अब बॉडी के पास सारी पूरी कैलोरीज तो है नहीं कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए, तो अब वो करेगा क्या, जितना भी आपकी बॉडी में जो मास है मतलब मसल है या फैट है वो उसे बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो ज़्यादा देर तक और बहुत ज़्यादा भी कैलोरी डेफिशिएंट रहने से मसल लॉस होता है। इसलिए बहुत कम रहें, जैसे 1 या 2 महीना मैक्स, इससे ज़्यादा कभी भी कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में ना ही जाएं। जो दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है डूइंग टू मच कार्डियो। आप बहुत ज़्यादा ही कार्डियो करते हैं जिम में। आप गए जिम में, पहले 40 मिनट कार्डियो किया, 20 मिनट वेट लिफ्टिंग, फिर अगले 20-30 मिनट आपने की कार्डियो। बहुत ज़्यादा कार्डियो से भी आपका मसल लॉस होता है, क्योंकि अब ड्यूरिंग कार्डियो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो कि आपने उतनी कंज्यूम नहीं की होती, तो अब आपकी बॉडी जो है मसल से लेगी वो एनर्जी। तो इसलिए कार्डियो को एज ए टूल यूज़ करें फैट लॉस में, ना कि कार्डियो ही अकेले रखें। जैसे आपने वर्कआउट कर लिया 1 घंटे का, वेट ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद 20 मिनट का कार्डियो रखें। ये नहीं कि बस कार्डियो ही कार्डियो लगाई जा रहे हैं, उससे भी मसल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। जो तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आप शायद ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये मैंने अपनी ओवर ट्रेनिंग वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में दूंगा, कि जब आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं आपका मसल लॉस होता है। या तो वो ग्रो नहीं करेगा मसल, क्योंकि अब उसे रेस्ट ड्यूरिंग रेस्ट वो ग्रो नहीं कर रहा है, या तो वो साइज और भी कम होता जाएगा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप शायद ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक बार आई बटन में ज़रूर देखना और भी सिम्टम्स देख लेना ओवर ट्रेनिंग के, उससे आपको पक्का होगा कि हाँ आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं कि नहीं। जो चौथा जो मेरा पॉइंट है वो है नॉट वर्किंग आउट, मतलब आपके पेपर आ गए और आपने वर्कआउट ही छोड़ दिया, क्योंकि आपको अब टॉप करना है पेपर्स में और आपका मसल लॉस हो रहा है और आप कह रहे हैं क्यों नहीं मैं उसे रिटेन कर पा रहा। बॉडी जो है बहुत स्मार्ट है, वो ऐसी चीज़ को बॉडी में रखेगी नहीं जो तो एक एनर्जी ले रही है और दूसरा किसी काम की नहीं है। बॉडी को एक स्टिमुलेंट चाहिए होता है उस मसल को मेंटेन करके रखने के लिए, इसलिए थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूर किया करो, नहीं तो वो मसल लॉस होगा, क्योंकि बॉडी को पता है अब ये मसल किसी यूज़ का तो है नहीं और ये उल्टा एक्स्ट्रा कैलोरीज लेगा, तो बॉडी उसे कम करना शुरू कर देती है। पांचवा जो पॉइंट है वो है कि आपकी प्रोटीन ही पूरा नहीं हो रहा डाइट से। जैसे आपको सबको पता है प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मसल के, प्रोटीन ब्रेक डाउन होके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और वो अमीनो एसिड मसल को बनाते हैं। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन ही नहीं है, जैसे कह लो आपने वर्कआउट किया अभी, आपकी डाइट में प्रोटीन ही नहीं था कि वो पूरा मसल बन पाए अच्छे से, तो वो मसल फिर से कम होना शुरू हो जाएगा या मसल लॉस होगा या फिर ग्रो ही नहीं करेगा। इसीलिए प्रोटीन को भी ठीक रखे। जो छेवा जो मेरा पॉइंट है वो है नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। आप रातों को अच्छे से सो नहीं पा रहे, मतलब 4-4, 5-5 घंटे बस सो रहे हैं, उससे हो क्या रहा है, आप एक तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन के बाद आपका जो है मसल लॉस भी होगा, क्योंकि अब बॉडी आपकी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी।
सारे हॉर्मोन्स की हेरा फेरी होगी, कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके कारण क्या होगा, आपका मसल बर्न होगा। कॉर्टिसोल आपकी मेटाबॉलिज्म को बहुत हाई करता है, वो आपका मसल भी बर्न कर देगा और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। इसलिए 8 से 9 घंटे की नींद तो ज़रूर लीजिएगा रात को। सातवां जो मेरा पॉइंट है वो है स्ट्रगलिंग विद स्ट्रेस मैनेजमेंट। कुछ हो गया, कुछ भी हुआ आपकी ज़िंदगी में, पास्ट में हो गया, आप उसे सोचे जा रहे हैं, सोने का पहली बात कोई फ़ायदा ही नहीं है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कॉर्टिसोल लेवल हाई हो रहा है। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में कहा, कॉर्टिसोल हाई हो रहा है, कॉर्टिसोल मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है, तो वो आपका मसल को बर्न करके फैट में स्टोर करेगा। ये भी पॉइंट मैंने अपनी ओवर ट्रेनिंग वाली वीडियो में कवर किया है, आप एक बार चेक ज़रूर करना। तो वो मसल को बर्न करके फैट में स्टोर करेगा, इसीलिए अपना स्ट्रेस को कम कीजिए। मेडिटेशन ट्राई कीजिए, मेडिटेशन से बहुत अच्छा लगेगा आपको, और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी अगली वीडियो मेरी होगी। जो आठवां जो मेरा पॉइंट है वो है ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। आप शराब बहुत, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं, विस्की वगैरह हो गया, कुछ भी। अब ये करती है अल्कोहल, ये आपकी लीवर को इफेक्ट करती है, और जो प्रोटीन है वो बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होते, क्योंकि अल्कोहल ने आपको इफेक्ट कर दिया है। तो इसीलिए अल्कोहल की इनटेक को कम कीजिए। वैसे तो लीजिए ना, अगर लेनी भी है तो बहुत कम, 3 महीनों में आधा ग्लास बस, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो फिर मसल लॉस होगा, और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अल्कोहल के। तो बस यही थी आज की मेरी इन्फॉर्मेशन, एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल।